और इसी बीच शिमला की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली में आज बंद का ऐलान किया गया। संजौली में लाठीचार्ज के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया। शिमला व्यापार मंडल की तरफ से ये बंद बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हिमाचल के शिमला में जो प्रदर्शन का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी आपको तस्वीरें भारत 24 ने दिखाई थी कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी जो कि बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। संजौली मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला, जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा, लोगों का उबाल लगातार बढ़ता हुआ, और अब जो प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के व्यापारियों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। शिमला में इस वक्त जो मस्जिद विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिमला के संजौली का मस्जिद विवाद गहरा चुका है। व्यापार मंडल की तरफ से बंद का आह्वान, लाठीचार्ज के विरोध में बंद का फैसला यहां पर लिया गया है। लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे, और इसको लेकर के लगातार वो प्रोटेस्ट करते हुए इससे पहले 1 सितंबर को, 5 सितंबर को और बीते रोज भी बड़े लेवल पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और अब एक बार फिर से विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आज व्यापारियों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। सीधे उनका रुख करते हुए थानेश्वर, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि कल की तस्वीरें आपने दिखाई थी कि बड़े स्तर पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। देखिए, आज व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का बंद का ऐलान किया था। बंद का साफ नजर असर जो है देखने को भी मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय छोटे शिमला में जो बेसिक नीड की दुकानें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड वगैरह की, ये दुकानें खुली हैं, बाकी सभी दुकानें बंद है। आप देख सकते हैं दुकानें जिस पर भी आपकी नजर जाएगी वो सब बंद है, क्योंकि 10 बजे से 1 बजे तक बंद की कॉल है। तो ऐसे में इक्का दुक्का दुकान आधे शटर डाउन करके अंदर साफ सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि सुबह साफ सफाई का समय होता है। लेकिन जिन लोगों को साफ सफाई की है वो उसके बाद 1 बजे आएंगे। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी सारी दुकानें आपको बंद मिलेंगी, लेकिन जो चाय की दुकान या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या ब्रेड वगैरह की, वो दुकानें खुली है। ग्रोसरी की दुकान खुली है, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को इनकी बेसिक नीड होती है, तो कर्फ्यू में भी ये दुकानें खुली रहती है। लेकिन आज जिस तरीके से व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया उससे साफ जाहिर है कि ये आज बंद पूर्णतः सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि जितनी दुकानें सारी की सारी बंद पड़ी है। 10 बजे से 1 बजे तक का ये बंद की कॉल दी गई थी। बंद की कॉल के चलते सारी दुकानें बंद है। अब देखना है कि दूसरा भी निकल कर आ रहा है कि व्यापारियों और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से 14 सितंबर को भी पूर्ण हिमाचल बंद की कॉल दी गई है। अब देखना यह है कि पूर्ण हिमाचल बंद होगा या नहीं होगा, या कॉल है या नहीं, अभी सिर्फ सूत्रों से निकल कर आ रहा है। आगे जैसा होता है फिर उसके बाद ही हम दर्शकों को बता पाएंगे, लेकिन अभी तक सारी दुकानें बंद हैं। केवल बेसिक क्या इसका एक पहलू ये समझा जाए, क्योंकि लगातार तो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, लेकिन जब हिमाचल की बात होती है तो हिमाचल को हम लोग, शिमला को हम लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से लगातार व्यापारी वर्ग लगातार विरोध जाहिर करता, वो आज भी बंद का ऐलान किया गया है, जो आर्थिकी है वो जाहिर तौर पर इससे प्रभावित हो रही होगी। देखिए, अर्थव्यवस्था पूर्णतः प्रभावित होगी, क्योंकि शिमला का दिल कहे जाने वाला मॉल रोड जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस है, शिमला का मॉल रोड वह अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, वहां पर भी कल शाम को 4:30 से 5:30 तक का बंद रखा गया था, और आज भी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पूर्णतः मॉल रोड के साथ साथ शिमला के सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि सारी दुकानें जहां तक आपकी जाएगी केवल बेसिक नीड की दुकानें खुली हैं, बाकी कोई दुकान खुली नहीं है। बेसिक नीड वालों ने भी आधे शटर अपने डाउन करके अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बंद किया तो नेचुरल है इससे पूरी अर्थव्यवस्था तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। माल रोड पे जिस तरीके से कल हम माल रोड से हमने वहां से दर्शकों को दिखाया था वहां का जो हाल क्या था, वहां पर जो पर्यटक आए थे वो काफी परेशान हुए। 1 घंटे के लिए माल रोड का बंद होना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि देश के कोने कोने से जो पर्यटक है वहां पर आते हैं और शिमला का दिल कहा जाता है। ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान, क्योंकि माल रोड पे जो दुकानें हैं दुकानों का किराया लाखों रुपए पर मंथ है। ऐसे में पर घंटे के हिसाब से वो दुकानदार जो है किराया का हिसाब लगाते हैं। ऐसे में कल 1 घंटे के लिए जब दुकानें बंद हुई तो उनका काफी नुकसान हुआ। आज 10 से 1 बजे तक के जिस तरीके दुकानें बंद की गई है तो काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पर्यटन भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और जो तस्वीरें लगातार थानेश्वर दिखा रहे कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। लेकिन थानेश्वर, क्योंकि बीते रोज़ भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर नजर आए थे, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए बैरिकेडिंग्स उन्होंने तोड़ दी, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन क्या अभी तक बातचीत की कोई कोशिश हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से भी विक्रमादित्य सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से कुछ हुआ है तो उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन क्या अभी हालात को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आई हो?
देखिए परसों कल का बंद ना हो इसके लिए परसों देर रात तक प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच में बैठक चलती रही थी। तो हिंदू संगठनों का साफ शब्दों में एक ही कहना था कि अगर हमारे घर का अगर हम एक इंच भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक ही नोटिस पे उसे गिरा दिया जाता है। लेकिन यह मस्जिद जो 5 मंजिला मस्जिद बन गई है, 35 नोटिस नगर परिषद द्वारा इसे दिए गए, उसके बावजूद भी यह मस्जिद क्यों नहीं गिराई गई, इसका जवाब दे दीजिए या इस मस्जिद को गिरा दीजिए। तो प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर नहीं माने तो बात बेनतीजा रही थी। अब कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद जिस तरीके हिंदू संगठन जितने भी लोग हैं वो जितने ज्यादा गुस्से में हैं, उसके बाद हालांकि प्रशासन की तरफ से पहल की गई उनको बुलाने के लिए कि बातचीत से बात कर लेते हैं, तो लेकिन हिंदू संगठनों का एक ही कहना था कि अभी हम आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद ही सरकार से बातचीत करेंगे। हिंदू संगठनों का एक ही कहना है कि हमारा पहले की तरह एक ही मांग है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जाए, जो हमारी बहु बेटियों से बच्चियों से बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारा कोई मांग ही नहीं है, हम तो पूरे समाज की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को कोई लीड नहीं कर रहा था, घर घर से व्यक्ति आए हुए थे, आस पड़ोस के लोग थे, उनमें खासतौर पर महिलाएं ज्यादा थी, लड़कियां ज्यादा थी। उनका कहना है कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि निकलते हैं तो ये अजीब अजीब तरह की भक्तियां कसते हैं, हमसे अश्लील लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, तो हमें वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पर थी, तो उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि जब हमारी छोटी बच्चियां और लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं है तो हमारे गार्जियन होने का क्या फायदा, हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए आज सड़कों पर आए हैं, प्रशासन अगर हमारी बच्चियों की सुरक्षा दे दे तो हम भी, हमारी भी इच्छा नहीं होती कि हम रोड पर आकर बैठे। किसकी इच्छा होती है कि रोड पर आकर इस तरीके परेशान होगा, पुलिस इसकी लाठियां खाएगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम यहाँ पर सड़कों पर हैं। थानेश्वर फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए हर एक तस्वीर भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।